अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इस दौरान मैन पावर की कमी ना हो, इसके लिए दिल्ली के युवाओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो युवा हैं उन्हें अस्पताल के प्रोफेसर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से पंपिंग करना है और साथ ही साथ किस तरह से मुँह से किसी मरीज को सांस देनी है, ऑक्सीजन देनी है। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ कुछ उपकरण भी रखे हुए हैं। ट्रेनिंग क्लास अलग होती है, प्रैक्टिकल क्लास अलग होती है। यहाँ पर बीपी मापने की मशीन है, ऑक्सीमीटर है, पंप है, इसके अलावा बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो कि आने वाले दिनों में अगर नर्स और डॉक्टर के साथ इन युवाओं को तैनात किया जाता है तो इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि 5000 ऐसे युवाओं की फौज तैयार की जाए जो अस्पताल में गंभीर स्थिति को संभाल सकें, और यहाँ पर इन्हीं युवाओं की ट्रेनिंग की जा रही है। पूरी दिल्ली में 9 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अगले 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखना ये भी होगा कि इस ट्रेनिंग से कितने युवा ट्रेन हो पाते हैं और केजरीवाल सरकार की ये मुहिम कितनी सफल हो पाती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।